युवा साथियों, मैं आज 200 से सांसद का निर्भय चुनाव फॉर्म भर के और श्री गणेश करने चुनाव के लिए आपके गांव में आपका बच्चा बेटा बल्कि आपकी सहायता पे आया हूं, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। इस शाखा में इससे पूर्व में इसी थाई पर एक मीना समाज के मामले को लेकर एक महापंचायत थी, जिसमें भी मैं डॉक्टर साहब के साथ आपके गांव में आया। 20 साल से मैं राजनीति में हूं और सभी समाज सभी वर्गों के लिए जहां कहीं भी मुझे लगता है जिस तरह से डॉक्टर साहब संघर्ष करते हैं, डॉक्टर साहब लोगों की सेवा में रहते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्हीं की लकीर को आगे बढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं। पार्टियां मुझे मौका नहीं दे रही। पहले छबड़ा से टिकट मांगा, छबड़ा से टिकट नहीं मिला, 44,000 वोट मेरे वहां छबड़ा आए। अगर टिकट मिल जाता तो शायद आपका बेटा वहां से एमएलए बन जाता। अभी 2 साल से कांग्रेस पार्टी के मुरारी लाल जी जिनको टिकट मिला, उन्होंने कहा कि भाई मैं टिकट नहीं ले रहा, मेरी तबीयत खराब है। जब उन्होंने कहा कि भाई मेरी तबीयत खराब है, मैं टिकट नहीं ले रहा, तो मैं टिकट की लाइन में लग गया और मैंने भी टिकट मांगने का प्रयास किया। टिकट किसको मिलता किसको नहीं मिलता ये कोई मतलब नहीं, वो नहीं था। लेकिन जिस तरह से वो बीमार हो गए, सब कुछ हो गया, और जब ये लगा कि ये लड़का कैसा नहीं हो जाए कि 2 साल में इसको टिकट मिल जाए, यहाँ आ जाए, उसके बाद उन्होंने दिल्ली जाके जिस तरह से टिकट लाए वो अलग बात है। मैं तो ये मानता हूं ये 2 साल लोकसभा जो सीट है, और जिस तरह से डॉक्टर साहब को जो हिम्मत हौसला जो ताकत इस साता गांव फलाना हेड़ा ने जो दी है, इसी की बदौलत है कि आज डॉक्टर साहब इतने बड़े ओहदे पे, इतने बड़े नाम उनका हुआ है। और मैं जानता हूं कि अगर साता भुड़ला और सम्रेटी की थाई पे मैं ढोक देने आया था, मेरे को पता नहीं आप इतने लोग, मैं तो मात्र आपके इस थाई पे ढोक देने आया था और एक लाइव करने आया था कि मैं आपके इस बीच में थाई पे आया हूं और आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए और पूरा भरपूर आशीर्वाद चाहिए। अगर आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा तो ये चुनाव की मेरी जो नैया है ये पार लग जाएगी, नहीं तो पार्टियों के जो नेता थे या पार्टियां थी उन्होंने तो मेरी राजनीतिक हत्या कर दी। अब मैं जनता जनार्दन के बीच में घूम रहा हूँ। आप लोग चाहोगे तो मेरा भविष्य बन जाएगा और आप चाहोगे तो मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं आपके बीच में आया और ये आशा करता हूँ कि आपका मुझे आशीर्वाद भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा और साता उड़ला समरेटी प्लान हेड़ा ये सारे गांव अगर इस बच्चे के साथ बेटे के साथ खड़े हो गए तो मुझे चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये भी मैं मानता हूँ। क्योंकि हवा लोकसभा के चुनाव में हवा बनती है और अगर 2-4 गांव पूरी दमखम से साथ मेरे खड़े हो गए और अगर हवा बन गई तो दोस्ता एक ऐसी लोकसभा है जहाँ रब्बानी चेची जी जम्मू से आके जिनका कोई रिश्तेदार नहीं था, नातेदार नहीं था, किसी से परिचय नहीं था, उनको 2.5 लाख वोट मिले, डॉक्टर साहब चुनाव लड़े और पार्टियों की जमान चपकी। अब आप अगर आपका बच्चा हूँ आप मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरी नैया पार कर दो, मुझे बना दो तो आपकी कृपा होगी। न्याय कौन भाई साहब एमएलए बन गो? अरे मेरी बात सुन, वहाँ पीछे सांसद ने मिले तो एमएलए मंत्री तो हूँ, 5 साल तक हम बन जाएगा आपका, हम तो नया थोड़ा हारेगा तो जीता हूँ तो 8 लाख खूब बोलने गए। ठीक है भाई, सांसद राम अगर आपको समर्थन देता है तो मैं विश्वास जताता हूँ कि शायद
फलान हिला भी चाहता का छोड़ के कहीं नहीं जाता है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो फलान हिला की तरफ से मैं भी आपको आश्वस्त हूँ। बढ़िया बना रहे।